हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड नीट एस्पिरेंट्स, बेटा 7 मई 2023 है, ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इस दिन हमारा नीट 2023 का एग्जाम होने वाला है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज हो रही है बेटा। ये दिन हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही बट थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी रहने वाला है। अब इस स्ट्रेस कंडीशन में जब हम एग्जाम को अप्रोच करेंगे उस दिन जो जो चीजें हमको साथ में लेके जाना जरूरी है वो गलती से भी भूल ना जाए, तो चलो इसलिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं। सबसे पहला और अहम पार्ट यानी कि आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। बेटा जो ऑनलाइन में हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे उस डाउनलोडेड कॉपीज के आपको कम से कम 3 या 4 प्रिंट करवा लेने हैं, और जो 3 या 4 प्रिंट हम बनाएंगे बेटा उसको पहले कम्प्लीटली फिल कर लो। उसके ऊपर जो 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 इन्फॉर्मेशन देनी है जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना है, वहाँ पे लेफ्ट साइड का थंब इम्प्रेशन लगाना है, साथ में ही जरूरी सिग्नेचर्स भी वहाँ पे करवा लेने हैं, आपका पोस्ट कार्ड साइज यानी कि 4x6 वाला जो फोटोग्राफ है वो भी उसके ऊपर चिपका देना है, और ऐसे फुल्ली फिल्ड एडमिट कार्ड आपको 3 से 4 रेडी कर लेने हैं। 3 से 4 क्यों सर? क्योंकि बेटा अगर आपका सेंटर किसी दूसरे शहर में है तो वहाँ पे जहाँ पे भी आप रहने वाले हो गलती से अगर वहाँ पे आप भूल गए तो, या फिर अगर आप एग्जाम को जल्दबाजी में जा रहे हो गलती से अगर वो एडमिट कार्ड टियर वगैरह हो गया तो, या फिर फिलहाल अगर हम एनवायरमेंट देखेंगे या फिर मौसम देखेंगे तो अचानक से कभी भी बारिश हो रही है, अगर बारिश का एक कतरा भी आपके सिग्नेचर की जगह पे या फिर लेफ्ट थंब इंप्रेशन जहाँ पे लगाया वहाँ पे गिर गया तो वो एडमिट कार्ड अलाउ नहीं किया जाएगा। इसीलिए कम से कम 2 से 3 एडमिट कार्ड के कॉपीज तो एटलीस्ट आपको बना के लेने हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट यानी कि बेटा पासपोर्ट फोटोग्राफ। बेटा जो पासपोर्ट फोटोग्राफ आपने एग्जाम का फॉर्म फिलिंग के समय पे यूज किया था अगर हो सके तो वही पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको कैरी करना है। बोला गया है कि एक ही पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको लगने वाला है बट हम लोग एटलीस्ट 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ एग्जाम में साथ में कैरी करेंगे। जो पासपोर्ट फोटोग्राफ वहां पे लगने वाला है वो इनविजिलेटर आपके नीट के अटेंडेंस के ऊपर चिपकाते हैं, तो बेटा वहां पे एटलीस्ट 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको साथ में लेके जाने हैं। तीसरा एंड अहम इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि वैलिड आईडी प्रूफ। बेटा आपको वहां पे आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, अगर ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है तो ई आधार का कॉपी भी आप साथ में लेके जा सकते हो, बट अगर किसी ने रिसेंटली आधार कार्ड पे खुद को एनरोल किया है तो एनरोलमेंट नंबर अलोंग विद द एनरोलमेंट स्लिप भी आप साथ में कैरी कर सकते हो। मान लो कि आपका आधार कार्ड नहीं बना है, कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा, आपका वोटर आईडी अगर बना लिया होगा तो वो आप यूज कर सकते हो, अगर वो भी नहीं है अगर आपने पैन कार्ड बनाया होगा तो वो भी आप यूज कर सकते हो, मान लो कि वो भी नहीं है तो आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको यूज करने आ सकता है। अगर किसी ने खुद का पासपोर्ट बनवा लिया है तो वो पासपोर्ट भी वहां पे वैलिड माना जाएगा, बट डिमांड ये रहेगी कि आपको उसे ओरिजिनल में कैरी करना है। इसके बाद में आता है बेटा चौथा पॉइंट, जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स एग्जाम को कैरी करने वाले हो उनको सेफली कैरी करने के लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक डॉक्यूमेंट पाउच लेना है। बेटा ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट पाउच जो होता है वो लार्ज साइज में आता है, A4 साइज या फिर उससे थोड़ा बड़ा साइज में आता है, यानी कि जब आप एग्जाम को जा रहे हो तो उनमें से फोटोग्राफ गलती से कहीं गिर ना जाए। ये सब चीज़ों को अगर आपको केयरफुली हैंडल करना है तो एक ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट प्लास्टिक पाउच आपको लेना है जिसके ऊपर कोई भी मार्क या फिर प्रिंटिंग नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हमारा जो एग्जाम है बेटा वो है 3 घंटा 20 मिनट और इन एडिशन हमको 2 घंटा पहले एग्जाम हॉल में जाना पड़ता है, तो ये स्ट्रेस भरी कंडीशन होती है। ऐसे वक्त में आप खुद का एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल विदाउट लेबल आप कैरी कर सकते हो, याद रहे उसके ऊपर कोई लेबल नहीं होना चाहिए। ये सब हुआ बेटा जो चीजें हमें कैरी करनी है उसके बारे में, बट अभी जो चीज कैरी नहीं करनी है उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहली बात, आप दूसरा कोई भी कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो या फिर प्रिंटेड हो वो साथ में कैरी नहीं कर सकते। साथ में अगर आपको ज्योमेट्री का बॉक्स यानी कि कंपास बॉक्स होगा, पेन रहेगा, स्केल रहेगा, राइटिंग पैड रहेगा, कैलकुलेटर रहेगा या फिर पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन या फिर स्कैनर, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप साथ में कैरी नहीं कर सकते। उसके साथ में एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ये आप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते हो।
अदर आइटम्स लाइक वॉलेट रहेगा या फिर आपका गॉगल्स वगैरह रहेगा। बेटा स्पेक्स अलाउड है बट सनग्लासेस अलाउड नहीं है, ये बोलना चाहता हूँ। हैंडबैग्स रहेंगे, बेल्ट रहेगा बेटा, कैप रहेगा, ये कुछ भी आपको अलाउड नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपके पास वॉच है या फिर रिस्ट बैंड है या फिर ब्रासलेट्स है या फिर कैमरास है, ऐसी कोई भी चीजें आप कैरी नहीं कर सकते हो। ऑर्नामेंटल आइटम्स या फिर मेटालिक आइटम्स इनको परमिट नहीं किया गया है बेटा। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस आप साथ में नहीं लेके जा सकते, ये चीज आपको याद रखनी है। बात करते हैं बेटा ड्रेस कोड्स की। अगर बॉयज के बारे में देखोगे तो बॉयज को प्लेन टी शर्ट विथ लाइट कलर, उसके ऊपर कोई बड़ा बड़ा प्रिंटिंग नहीं चाहिए, कोई भी टेक्स्ट मैटर तो प्रिंटेड होना ही नहीं चाहिए। इन एडिशन अगर स्लीव्स रहेंगे तो इट शुड बी शॉर्ट स्लीव एंड इट शुड बी विदाउट एनी कॉलर। अगर पैंट की बात करोगे तो नॉर्मल एक लूज ट्रैक पैंट आप यूज करो, क्योंकि जहां कहीं पे भी आपका एग्जाम का सीट नंबर आएगा वहां पे कंप्लीट एयर सर्कुलेशन रहेगा ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपके सर के ऊपर ही आपके लिए फैन लगाया होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो आपको वहां पे गर्मी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इसीलिए ऐसे कपड़े यूज करो बेटा जिसमें आपको कम से कम गर्मी का सामना करना पड़े। इन एडिशन बॉयज के लिए बता रहा हूं बेटा, बेल्ट आपको अलाउड नहीं है, रिस्ट वॉच अलाउड नहीं है, आपको अगर शूज लेके जाना है तो वो भी अलाउड नहीं है। हाँ, आप स्लीपर वहां पे यूज कर सकते हो। गर्ल्स के ड्रेस कोड की थोड़ी सी बात करते हैं बेटा। गर्ल्स के लिए प्लेन लाइट कलर टी शर्ट विथ हाफ स्लीव या फिर स्लीवलेस इज अलाउड, लॉन्ग स्लीव आर नॉट अलाउड, ये आपको याद रखना है। प्लेन लाइट कलर्ड कंफर्टेबल जॉगर्स या फिर प्लाजो आप यूज कर सकते हो। यू शुड अवॉइड जीन्स और जेगिंस और लेगिंस। बेटा इयर रिंग्स या फिर हाथ में अगर कंगन है या फिर कोई चेन वगैरह है, वॉचेस वगैरह है या फिर हेल्थ बैंड्स है, इनको अलाउ नहीं किया गया है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बता रहा हूँ बेटा कि अगर आपको परमानेंट ब्रेसेस लगाए हुए हैं आपके टीथ स्ट्रेटनिंग के लिए तो वो आप उतना सिर्फ अलाउ कर सकते हैं बेटा, बाकी कोई भी चीज आप एज अ ऑर्नामेंट या फिर कोई भी मेटालिक आइटम कैरी नहीं करने वाले। अगर आपको स्पेक्स है तो वो अलाउड है, बट अगर आप सनग्लासेस यूज करना चाहते हो तो वो अलाउड नहीं है बेटा। बेटा ये बात याद रखना कि आप एक दिन पहले एग्जाम सेंटर को विजिट जरूर करके आए, क्योंकि एग्जाम सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, कितना दूर लोकेटेड है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई साधन संसाधन है या नहीं है, या फिर कितना ड्यूरेशन लग सकता है, रास्ता ठीक है या नहीं है, इन चीजों को आपको पता होगा तो आपको प्रॉपर टाइम पे निकलने आएगा। हो सके उतना थोड़ा सा एग्जाम सेंटर में रिपोर्टिंग टाइम के बिफोर पहुंच जाना है और साथ में लेके जाना है बहुत सारा कॉन्फिडेंस और जीतने की एक स्ट्रॉन्ग इच्छा। तो बेटा आप सबको नीट 2023 के लिए ऑल द बेस्ट। आपके साथ टीम आईआईबी हमेशा है।